आप तो सत्तर के दशक से लगातार शिखर पर बने रहे उसके बाद के दशक में जब हम लोग बड़े हो रहे थे हमारे कई मित्र भी बैठे जो आपके बहुत बड़े फैन हैं तो हम सब ने सुरेंद्र मोहन पाठक के साथ साथ रीमा भारती और वेद प्रकाश शर्मा और ऐसे केशव पंडित है कई उपनामों से भी और नामों से भी किताबें देखी आती कभी लगा कि ये शिखर पर मैं जो खड़ा हूं और वर्दी वाला गुंडा टाइप की किताबें आ रही हैं कोई ऐसा लगा क्यों नहीं हमारे रेस में हमारे साथ शिखर पे खड़ा होने के लिए कोई और भी आ रहा है भाई अब मैं फेलो राइटर्स के बारे में बुरा बोल नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन वो जिस राइटिंग थे और उनके पढ़ने वाले भी उसी औकात के मालिक थे जी तो जो ये इतने इतना नेम क्लेम हासिल करने के बाद भी एटीज में वो लाइटर राइटर पिटे क्यों थे उसके बारे में उनके प्रकाशक ही कहते थे भी जो बच्चे ये नावल पसंद करते थे वो बड़े हो गए हैं <laughs> 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 तो क्या किया जाए इन्होंने तो जो अपना क्लेवर है वो अल्प शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए, लिए लिखा है रिक्शा टांगे वाले पढ़ते हैं या आठवीं नौवीं के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है गंभीर तो कभी कुछ लिखा नहीं कोई अपना मुकाम इसी वजह से जो ही उनकी वो वो सूरज गरूब हुआ उनकी किताबें भी गायब हो गई <laughs> वेद प्रकाश शर्मा ने बड़ा नाम कमाया बाज़ार में ढूंढ लो दो काफी नहीं मिलेंगे और फिर जो उस वक़्त के राइटर थे आधे गोस्ट राइटर थे आधे गोस्ट राइटर बीमा भारती गोस्ट राइटर है हाँ। अभी भी गोस्ट राइटर भी। है तो भ्रष्ट ट्रेड था भ्रष्ट ट्रेड था पब्लिशर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि टाइटल के बीच में वर्कों में उसने क्या छापा है अगर चल रहा है तो ठीक है चाहे इडियट ने लिखा हो काले चोर ने लिखा है इसकी अगर सेल है इसका गाहक है रीडर है तो हमें मंजूर है सर आपकी भाषा जो है वो जो बाकी उपन्यास जो मैं फिर एक बार तुलना नहीं करना चाहता हूँ सुना है कि आपने काफी साहित्यकारों को पढ़ा क्या आपकी, भी पढ़ता हूं। तो जो जो कथित रूप से गंभीर साहित्यकार हैं जो मुख्य धारा के लेखक हैं उनको पढ़ा आपने क्या उसका कोई असर पड़ा आपके इस उपन्यास लेखन पर या असर तो मैं आप बिल्कुल कैसे कहू देखो मैंने जो राइटर पढ़े चालीस साल की उम्र तक बेताहाशा पढ़े वो उस वक़्त राइटिंग में मेरे पे इतना प्रेशर नहीं था मेरी टूर की नौकरी थी सफ़र पे भी जाना पड़ता था ये आजकल के जो नई एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी की वो होती नहीं थी तो मैं अगर हफ्ते के टूर पे जाता था तो छह किताब सूट के रख ले के लेके जाता था पढ़ूँ तो, तो पढ़ा तो बहुत मैंने बंगाली का पढ़ा उर्दू का पढ़ा ये उर्दू पढ़ लेता हूँ मैं बंगाली नहीं पढ़ सकता उसका हिंदी अनुवाद पढ़े हिंदी का भी बहुत पढ़ा लेकिन हिंदी से तारीफ की भाई बड़ा अच्छा लिखा है कुछ सीखा नहीं उर्दू से सीखा बहुत कुछ उसकी भाषा का ललित्य सीखा किसी बात को सवार के कहने का स्टाइल सीखा आपकी कहानी कमजोर हो फिर भी अंदाजे भी आए इतना खूबसूरत हो कि लोग छोड़ ना सके ये गुण सीखा हिंदी से कुछ नहीं सीखा बंगाली से सीखा उर्दू से तो बेताशा सी बेता तो उर्दू का असर जो है वो आपकी भाषा में बहुत ज़्यादा दिखता है, भी है बहुत ज़्यादा जी आज भी आज भी मैं उर्दू का राइटर पसंद कर पढ़ के खुश होता हूँ